लुटेरों की हत्या करने के बाद सम्राट समझ जाते हैं कि उनकी तलवार साधारण तलवार नहीं रही, इस तलवार का सोच समझ कर उपयोग करना पड़ेगा। फिर सम्राट स्वामी जी द्वारा बताए गए झरने की ओर पहुंच जाते हैं। स्वामी जी ने कहा था, मुझे रास्ता झरने के भीतर जाने पर ही मिलेगा। दूसरी दुनिया में पहुंचकर सम्राट आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, स्वामी जी की एक एक बात सत्य निकली। तेज गर्मी होने के बाद भी सम्राट अपनी मंजिल की तरफ निरंतर बढ़ते रहते हैं। प्यास से परेशान सम्राट अपनी और अपने घोड़े की यह दशा नहीं देख पाते और कहीं रुकने का फैसला लेते हैं। उन्हें आगे चलकर बहुत दूर विशाल पत्थर नजर आते हैं, जहां वे कुछ देर विश्राम करने का फैसला लेते हैं। सम्राट इस बात से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बड़े विशाल पत्थर की परछाई नहीं बन रही होती है। अचानक से वहां की जमीन हिलने लगती है और देखते ही देखते उस बड़े पत्थर पर किसी का चेहरा नजर आने लगता है। सम्राट जल्दी से अपने घोड़े को लेकर दूर हो जाते हैं। आखिर ये है क्या, सोचते हैं। सुनो अजनबी, इस दुनिया से बाहर मैं ही निकाल सकता हूँ। तुम कौन हो और तुम कैसे मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? मैं इस दुनिया का दरवाजा हूँ। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब सही सही दिया तो तुम इस दुनिया से बाहर जा सकते हो। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, पूछो सवाल। ऐसा सुनकर वह पत्थर राक्षस अपने चारों ओर सवाल का वातावरण बना लेता है, जहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, फल आदि सब कुछ होता है। मेरा सवाल है, तुम इस फलों के बगीचे से कोई भी तीन चीजें लेके आओ, लेकिन वे तीनों किसी हिसाब में होनी चाहिए। सम्राट सोचने लगते हैं, मुझे यहाँ से तीन चीजें लानी है, लेकिन हर एक चीज किसी हिसाब में होनी चाहिए। काफी सोचने के बाद सम्राट जाते हैं और नारियल के पेड़ से नारियल तोड़े लेते हैं और वापस आते आते अंगूर का गुच्छा भी साथ में ले आते हैं। ये तो दो चीजें हैं, तीसरी चीज क्या लाए हो? थोड़ा सोचने के बाद सम्राट फिर जाते हैं और बहुत सारी हरी घास लेकर आ जाते हैं। तुम इन चीजों को किस हिसाब से लेकर आए हो, बताओ बताओ। इस रेगिस्तान में चलते चलते मुझे बहुत तेज प्यास लग आई थी, जिस कारण से मुझे ज़रूरत के हिसाब से नारियल लाना पड़ा। और जब मैं ये नारियल लेकर आ रहा था, तब रास्ते में मुझे ये अंगूर दिखे, जिसे मैं जल्दबाजी के हिसाब से लेकर आ गया। जब मैं इन दोनों को लेकर आया तो मुझे अपने घोड़े का ख्याल आया और मैं काफ़ी सोच के हिसाब से अपने घोड़े के लिए हरी घास लेकर आया हूँ, यानी नारियल को ज़रूरत के हिसाब से, अंगूर को जल्दबाजी के हिसाब से और हरी घास को सोच के हिसाब से लेकर आया हूँ। तुम्हारा उत्तर एकदम सही है, अब तुम मेरी परछाई में आ जाओ।